जी हाँ, पिछले 15 सालों से लगातार आपकी सेवा में रॉयल एसीपी वर्क, बिल्डिंग, ऑफिस, शोरूम एसीपी, सीलिंग एवं घर की सुंदरता के लिए कराएं एसीपी वर्क, वो भी 10 साल की वारंटी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर हातिम परदेशी। हमारा पता, रॉयल एसीपी वर्क, इंदौर रोड, पदम नगर थाने के सामने, रिलायंस मॉल के पीछे, मुफद्दल पार्क, खंडवा। मोबाइल नंबर 9009715952 और 9039515268। से आप आए, क्या समस्या लेके आया जिस पे आप इस आए? संकेड़ा से आया सर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहर सिंह है। मोहर सिंह, काय के लिए आया तू? आपने परशुराम भाई ने मगर बुलाया था कि 2 तारीख का दिन आओ, पैसे तुम्हारो हम खुद दूंगा। अब घर आयो 2 तारीख का दिन, 9 का दिन मना होगा घर आयो तो तू कह कि नहीं 2 तारीख का हो। अब 2 तारीख का दिन हम गयो तो वो छोरी ने कहा घर मना आवाज दियो तो वो कुतरो पहले तो भूक्यो, फिर वो छोरी ने निकले तो मका कहे कि भैरा से मैं कही चल रस्ते लग यहाँ से सारा पैसा कही दीदी आज मैंने कही तो मैं रेपट मारना लगी, रेपट मारना लगी तो फिर हम दरवाजा से भैरा जी हो। अब फिर मका उन्हें पछड़ी दग्गड़ मार दी कूट में। कौन ने मारे? वो छोरी ना उनकी। अच्छा, परशुराम कौन है? परशुराम को बाप आए, वो छोरी ना। हाँ, तो उसके घर पैसे का आपके समाज में मांगने मांगने गए? कांदा कांदा प्याज का पैसा। प्याज का बेचे थे उसको? हाँ, प्याज बेचे थे। कितने प्याज बेचे थे? कितनी क्या प्याज थी तुम्हारी? अपने प्याज तो 248 करते 248 करते। पैसे दे दिया नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं आधा दिया। प्याज ले गया हूँ अभी तुम्हारे पास? तो प्याज ले गया, प्याज ले गया जी सर। फिर आप क्या करे? फिर अब मका मार दियो ना, फिर हम वहाँ अड़ोस पड़ोस में कहे कि भाई तू जा थाना मार, थाना तुम्हारे को देखे लाए नहीं है कि जो कहाँ का थाना में जानो। फिर अब लाल चौकी वो अपनों वो लगा थानो जावर तुम अल्लाह। हाँ। हम बस से फिर जावर गयो थाना में, तो वहाँ साहब लोग तो थाने वहाँ। फिर क्या हुआ? परशुराम, पूरा नाम बताओ। परशुराम, परशुराम पटेल। परशुराम पटेल, अच्छा। ये कहाँ का रहने वाला है? ये यहाँ रहे खंडवा में। खंडवा में कहाँ पे लाल चौकी? तुम्हारी पहचान कैसे हुई थी तुमसे? प्याज व्यापारी है। हाँ। दादा क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम मोहर सिंह है। मोहर सिंह संगवाड़ा रहते जावर थाना। जावर ठीक है। क्या नाम है आपका? आज इस पे आप इस आए के वाय क्या मामला है? मेरा नाम रासिंग पटेल है। मैं ये परशुराम पटेल के खिलाफ आवेदन देने आया हूँ। इसके साथ कहा रहते परशुराम पटेल? यही खंडवा के रहने वाले। और आप कहा रहते? मैं सावखेड़ा रहता हूँ। क्या हुआ था पूरा बताओ। परशुराम पटेल 9 जून को हमारी प्याज ले गया था, बोले कि भाई 8 दिन में पैसे तुम्हारे घर आ जाएंगे और 2 दिन बाद में तुम्हारे घर प्याज लेने के बाद 2 दिन में तुमको चेक दे दूंगा और 8 दिन बाद तुम्हारा पैसा जो भी है बाकी सब ले जाना, ऐसा उधार करके ले गया हो। बाकी आज तक भी उसने थोड़े बहुत कर करके दे रहा था और बार बार हमको परेशान कर रहा था। कभी कभी तारीख को बुला लेता और पैसे नहीं भी लेता और भगा दिया करता था, ऐसे आज तक चला करा। अब कल की बात है कि मेरे पिताजी भी गए थे और ये भाई लोग भी है साथ में, इन्होंने भी साथ में दी थी प्याज, उनके साथ भी वही हम तीनों जाने जाया करते थे तो हमको परेशान कर दिया उसने बुला बुला के। अब एक दिन पापा को बुलाया था पिए गए तो इनके साथ उनके लड़के ने बहुत ही बदतमीजी की, गाली गलौज से बात करी, मारने को भी उड़ी बड़ी लड़की और जो कुत्ता बंदा रहता है वो कुत्ते से छोड़ के इनको भगने को मजबूर किया और भगाया भी इनको। और भगते भगते वो बड़ी वाली लड़की ने इनको पत्थर पीछे पीटने मारा। लड़की ने मारी? हाँ। अच्छा भैया, ये तुम कौन से गाँव से हो? सावखेड़ा से रहने वाले। सावखेड़ा कैसे, कितने किसान उससे मतलब पीड़ित है? ये गणेश भाई मलाकार और धीरेन्द्र भाई मेरे सिसोदिया। कितने कितने प्याज दिए हैं? धीरेन्द्र भाई सिसोदिया और गणेश मलाकार। नहीं नहीं, तो आप ये भैया सबका कितना कितना अमाउंट आ रहा है उसपे? इनका अमाउंट 1,81,000 का है और 42,750 और मेरा 1,58,000 का है टोटल ऐसा। हाँ, तो आप लोग मांगने नहीं गए क्या? बोल रहा मांग रहे नहीं, मांगने जाते थे तो वो कुछ कुछ पैसे दिए भी उसने और उसके बाद में टाइम देता था, वो टाइम पे हमको मिलता भी नहीं था, उसके घर वाले मिलते हैं। मैं तो अभी तक पेमेंट नहीं दिया हूं। कितने दिन हो गए टोटल पैसे नहीं आए आपके? पैसे टोटल हो गया 5 महीने मना कर रहा हूं। तो आपने उसकी शिकायत पहले थाने में नहीं करी? करी थी ना, वहाँ भी 1 तारीख को हमने आवेदन दिया था, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो उसके विरुद्ध और हमारा पैसा हमको समय से मिल रहा है। आप इधर बहुत सारे काम है काश्तकारी में। तो ये व्यापारी से पहले आपने किसी पहचान कैसे हुई? तो पहले भी बेचे थे कभी उसको माल? नहीं। पहचान कैसे हुई आपकी उससे? गाँव वाले से परिचित। गाँव वालों से मिला होता तो तुमको कितने मिलाया था उससे? गाँव वाले ने बताया। तुमने पहले पूछे कार्य नहीं कौन है क्या ऐसे कैसे किसी? क्या नाम है तुम्हारा? धीरेन्द्र।
भैया आपका क्या नाम? गणेश मालाकार।